मैं आज आपको यहाँ पर आया हूँ तब चाय बागान के मेरे मजदूर भाइयों के लिए, श्रमिक भाइयों के लिए भी कहना। अभी अभी राहुल बाबा आसाम के दौरे पर आए, उनके लिए आसाम का दौरा पिकनिक से ज्यादा कुछ नहीं है। वो यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और चले जाते। जब राहुल बाबा श्रमिकों की बात करते हैं मुझे बहुत हंसना आता है। चार चार पीढ़ी से जो भारत का शासन करे और चाय बागानों के श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया, वो भला कैसे कुछ कर सके। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक 5 साल के अंदर ही गर्भवती श्रमिक माता को 12,500 देने का वादा किया था, जो अब 18,000 तक पहुंच गया। उनके लिए पोषण सम आहार करने का देने का हमने कहा और देना शुरू कर दिया। 7.5 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले और हमने लगभग 6,46,497 परिवारों को हमने अन्न योजना लागू करी। मित्रों, महिला सहायता समूह को 25,000 रुपया दिया है और उनके वेतनमान के अंदर 2.5 गुनी बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।